राज्य के पूर्व मंत्री कद्दावर वरिष्ठ नेता सुनील केदार पार से विजय से छूले उसकी तकदीर बदल जाती है। नागपुर जिला ही नहीं संपूर्ण महाराष्ट्र में जिस पर भी साहेब कृपा दृष्टि हो जाए उसकी तकदीर बदलते हुए देरी लगती है। साहेब ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को उप सरपंच पद से उठाकर देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन में पहुंचाकर साहेब ने दिखा दिया कि छोटे से कार्यकर्ताओं को बड़ा कैसे बनाया जाए, ऐसा श्याम कुमार बर्वे इन्होंने कहा। यह जीत मेरी नहीं सुनील बाबू केदार और उन पर विश्वास रखने वाली हर कार्यकर्ताओं की है। आज मैं आपके आशीर्वाद से सांसद चुनकर जरूर आया हूँ, लेकिन अब जवाबदारियां बढ़ती है। आज से हर दिन हर पल मेरा रामटेक लोकसभा के लिए है। मैं आप सभी को आश्वस्त कराता हूँ कि मैं आप सभी के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे विचार नवनिर्वाचित सांसद श्याम कुमार बर्वे इन्होंने व्यक्त किए। नवनियुक्त सांसद श्याम कुमार बर्वे के सावनेर पंचायत समिति सावनेर के सभागृह में संपन्न भव्य स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए जिले के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र मुड़क ने कहा कि इस जीत के असली हीरो पूर्व मंत्री सुनील केदार तथा उन पर प्यार करने वाली नागपुर जिले की जनता है। सुनील बाबू आपको आला कमान नीति, रामटेक, वर्धा, चंद्रपुर और पंजाब की जवाबदारी अपने कुशल राजनीतिक अनुभव से जीत दिलाकर साबित कर दी है। अब पार्टी को आपकी जरूरत मुंबई और दिल्ली में है। आपके जैसे परिश्रम लेने वाले तथा दूरदृष्टि, रणनीतिकार तथा जमीन से जुड़ी समस्याओं की ज्ञाता अगर पार्टी का काम करे तो वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली में फिर से हमारी सरकार हो, ऐसे विचार उन्होंने व्यक्त किए। देश में बदले की राजनीति, जातिवाद, सामाजिक द्वेष फैलाने वाले तथा देश की आत्मा संविधान बदलने की बात करने वालों को देश की जनता ने उनकी जगह इस चुनाव में दिखा दी। अहंकारी तथा अभिमानी राज्यकर्ताओं को देश की जनता ने सिरे से ना कर दिया है। ऐसे में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरपंच, पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य, नगर सेवक, विधायक, सांसद ये वह जवाबदारी है जिसे अहंकार से नहीं निभाया जा सकता। ये जवाबदारियां एक दायित्व होता है जो मैं निभाने आया हूँ और आगे भी निभाता रहूंगा। सत्ता के मत से किसी महिला का अपमान करना क्या होता है, यह हम रावण के अभिमान तथा महाभारत में कौरवों की सेना का अंत देख चुके हैं। इसी तर्ज पर रश्मिताई बर्वे के साथ भाजपा सरकार के दबाव में जो कुछ हुआ है इसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। रावण राज ना तब चला था ना अब चलेगा, ये तो परिवर्तन की लहर की शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए नवनियुक्त सांसद श्याम कुमार बर्वे को उनकी जीत पर बधाई देते हुए रामटेक लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार माना। इस अवसर पर पूर्व विधायक एस क्यू जमा, जिला परिषद नागपुर के अध्यक्ष मुक्ताताई कोकटे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रश्मिताई बर्वे, उपाध्यक्ष कुंदाताई राउत, महिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अवंतिका देकुरवाड़े, सावनेर पंचायत समिति सभापति अरुणाताई शिंदे, जिले की सभी पंचायत तथा बाजार समिति के पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, पूर्व नगर सेवक, सावनेर तहसील के सरपंच, उप सरपंच सदस्य, सावनेर तालुका कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा सहयोगी दलों के पदाधिकारी तथा सावनेर तालुका के हजारे कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। आयोजन के सफलता पंचायत समिति सावनेर, तालुका कांग्रेस, शहर कांग्रेस, सावनेर कर्मेश्वर विधानसभा युवक कांग्रेस, जिला परिषद सदस्य आदि ने परिश्रम लिया। आयोजन का संचालन प्रवीण झाड़े ने तो प्रास्ताविक पंचायत समिति सावनेर के उप सभापति राहुल तिवारी ने तो आभार विष्णु कोकटे ने माना। कल तक हम एक बब्लू बर्वे या श्याम कुमार बर्वे के नाम से आज सांसद बनने का आपको कैसा लगा? खड़ी नहीं रहती तब तक वो पुरुष प्रगति नहीं करता, मैं क्या कहेंगी रश्मि जी? आप जिला परिषद
दिन से रही है, मैंने भी आपको बहुत बार अजमाया है कि आपका फोन कभी भी बंद नहीं होता। अब भैया सांसद बन गए हैं और आप मेरे जिला परिषद में काम कर रहे हैं, तो मेरी फोटो तुरंत आप कैसे समझेंगे? पहले भी मैं मेरी हालांकि टिकट भारतीय जनता पक्ष ने काटी, लेकिन आज शाम को बार के पर में ये जो उम्मीदवार और बहुमत से चुन के आए हैं, अपने का आनंद देने का हमारे अजय कुमार साहब हमारे में बहुत साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत हुई है। और आज भी आस्था रश्मि परवीन रहेगी और पूरे जनता का जो एक कमांडी बने जो जनता की जो सेवा है ये रश्मि परवीन और शाम कुमार परवीन दोनों में। धन्यवाद। NBC न्यूज के लिए सावदे से किशोर ठुंडेली की रिपोर्ट।